वेलकम टू यूनिवर्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इंट्रोडक्शन टू मेटाबॉलिज्म हमारे पास यूनिट है पोस्ट आर एन बायो केमिस्ट्री में। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मेटाबॉलिज्म का लफ्ज़ आपने कई बार सुना होगा, अक्सर लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है या बॉडी में कौन से बायोकेमिस्ट्री है, कौन से बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जिनको हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। सो बेसिक डेफिनेशन से समझते हैं कि द सम ऑफ ऑल द केमिकल चेंजेस अकरिंग इन अ सेल, अ टिश्यू और अ बॉडी एज अ होल, दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। जितने भी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तमाम के तमाम केमिकल रिएक्शंस, चाहे वो केमिकल रिएक्शंस किसी सेल में हो, चाहे वो रिएक्शन किसी टिश्यू के अंदर हो, या पूरी बॉडी में कोई चेंज आ रही है, कोई केमिकल चेंज आ रही है, वो मेटाबॉलिज्म से ताल्लुक रखती है। और ये दो तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं, ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये सिर्फ दो तरह के हो सकते हैं, दैट इज कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। सादा सी बात है, कैटाबॉलिज्म क्या है, या तो एक बड़ी चीज है वो टूट जाती है दो छोटी छोटी चीजों में, तो ये कैटाबॉलिज्म है, ठीक है। तो कोई केमिकल रिएक्शन जो बॉडी में होता है, एक बड़ी चीज को तोड़ के दो छोटी चीजों में डिवाइड किया जाएगा, या वो होती है एनाबॉलिज्म, यानी दो छोटी छोटी चीजें हैं उनको मिला के एक बड़ी चीज बना दी जाए, इसको कहते हैं एनाबॉलिज्म। तो ये जो हमारे पास मेटाबॉलिज्म होती है, जो केमिकल रिएक्शन है, ये दो तरह के होते हैं, या तो एक बड़ी चीज को तोड़ के छोटी चीजें बना दी जाए, दैट इज कैटाबॉलिज्म, या फिर एक छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करके बड़ी चीज बना दी जाए, दैट इज एनाबॉलिज्म। तो टोटल मेटाबॉलिज्म इसी को कहते हैं कि या वो कैटाबॉलिज्म है या वो एनाबॉलिज्म है। सबसे पहले बात करेंगे हम कैटाबॉलिज्म पे, विच इज अ कन्वर्जेंट प्रोसेस। सो नाउ द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इंटू सिंपल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। तो अगर आप देखें, ब्रेकडाउन हो रहा है लार्ज या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के, यानी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, उसको तोड़ा जा रहा है इंटू छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स, इसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। ये होता कब है, अक्सर ये जो कैटाबॉलिक पाथवेज होते हैं, यानी जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, इसमें होता क्या है, इसमें जब एक बड़ी चीज को छोटी चीज में डिवाइड किया जाता है तो कुछ केमिकल एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, और वो केमिकल एनर्जी आ जाती है एटीपी की फॉर्म में और हम उसको स्टोर कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी में एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स पैदा होते हैं दैट आर एटीपी। तो यानी जब हमारे जिस्म में एनर्जी बनती है तो वो कैसे बनती है कि बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं छोटे मॉलिक्यूल में और जो एनर्जी निकलती है वो होती है एटीपी। तो इसके तीन स्टेप्स हैं कैटाबॉलिज्म के। सबसे पहला स्टेप जो होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है किसी भी चीज को वाटर के प्रेजेंस में तोड़ना, इज हाइड्रोलिसिस। तो क्या होता है कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स में तोड़ा जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। फिर क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये वाले, इनको मजीद छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है। किस तरह से इसको बना दिया जाता है, एसिटाइल को एंजाइम ए, ठीक है। तो ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है इनको मजीद तोड़ के एसिटाइल को एंजाइम ए बनाया जाता है, और फिर तीसरे स्टेप में एसिटाइल को एंजाइम ए की ऑक्सीडेशन की जाती है। ऑक्सीडेशन यानी कि उसका पूरा एक टीसीए साइकिल चलता है, एक सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेल के अंदर का माइटोकॉन्ड्रिया एक पूरा टीसीए साइकिल चलाता है उसका, और एसिटाइल को ए एंजाइम जो है उसकी ऑक्सीडेशन करके हम एटीपी बनाते हैं, एटीपी, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, उसको जब तोड़ा जाता है तो एंड पर 36 एटीपी बनते हैं, यानी एक ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और 36 एटीपी बना के देता है। तो इस तरह से आपके पास बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में डिवाइड किया जाता है और एंड पर उससे एनर्जी बनाई जाती है। इसके ऑपोजिट आपके पास होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म सिंपली क्या है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाया जाता है। जैसे कि मैं आपको मिसाल दूं, अमाइनो एसिड है, छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स
आपस में मिलते हैं और एंड पे बड़ी बड़ी प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जस्ट लाइक प्रोटीन्स, या फिर प्रोटीन्स मिलके एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना देते हैं जैसे मसल्स वगैरह बना देते हैं। तो इस तरह से एनाबोलिज्म क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और बड़ी चीज बना देते हैं। इसमें एक जरूरी बात समझिए कि जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को आपस में मिला के बड़ी चीज बनाते हैं तो उनको एनर्जी देनी पड़ती है। याद रखें, पहले आपने पढ़ा कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल टूट के छोटे मॉलिक्यूल बनते तो हमको एनर्जी मिलती है, हम स्टोर करते हैं एनर्जी। लेकिन जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिलाना पड़ता है और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाना पड़ता है तो आपको एनर्जी लगानी पड़ती है, खर्च करनी पड़ती है। तो फिर क्या होता है कि एटीपी टूटता है, एनर्जी बनती है और एडीपी में कन्वर्ट होता है। यानी एटीपी के अंदर होते हैं तीन फॉस्फेट, ट्राईफॉस्फेट है ये। तो क्या होता है कि एक बॉन्ड टूटता है, फॉस्फेट निकलते हैं और बहुत सारी एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी क्या करती है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल को मिलाकर बड़ा मॉलिक्यूल बना देती है। तो इस तरह से एनाबॉलिक रिएक्शंस में हमको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, और दैट इज अ डाइवर्जेंट प्रोसेस। मतलब क्या है कि फ्यू बायोसिंथेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये बड़े बड़े पॉलीमेरिक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स बना देते हैं, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बनाते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बना देते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता है। अब मेन चीज है रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, कि आपके जिस्म में मेटाबॉलिज्म कब होती है, कहाँ होती है, क्यों होती है, ये रेगुलेट कैसे होता है। तो देखिए, जो पाथवेज होते हैं, जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, यानी जो कि आपके पास बेसिकली केमिकल रिएक्शंस हैं, इनको हम कहते हैं पाथवेज। तो ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, दे मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड, यानी ये सारे आपस में जुड़े होते हैं, अलग अलग नहीं होते, आपस में जुड़े हैं। और जब ये आपस में जुड़ते हैं तो ये फिर कोई प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, या फिर जो कोई एंड प्रोडक्ट, कोई बड़ा सा कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसा प्रोडक्ट जो किसी सेल की नीड होती है, तो सेल अपनी नीड पूरी करता है उन प्रोडक्ट्स के साथ। तो एक सेल में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं। और जो पूरी बॉडी को अगर आप लेना कि ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, ये एज अ होल वर्क काम करती है, पूरी कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करती है। अगर आप मिसाल लें जीआईटी की, तो जीआईटी जो है ये इनकोऑर्डिनेशन काम करेगी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के, इनकोऑर्डिनेशन काम करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। तो पूरी बॉडी आपस में कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करती है, अलग से कोई चीज काम नहीं कर सकती। एग्जाम्पल के तौर पे आप लें इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन। एक सेल के अंदर जब एक चीज दूसरी चीज से कम्युनिकेट करती है सेल के अंदर, तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, उनके लिए स्पेसेस चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट्स यानी केमिकल रिएक्टेंट्स चाहिए, उनके लिए कुछ इंजाइम्स चाहिए, कुछ एक्टिवेटर्स इंजाइम चाहिए, कुछ इनहिबिटरी इंजाइम्स चाहिए होते हैं, कुछ रैपिड रिस्पॉन्सेज जनरेट होती हैं सेल के अंदर। केमिकल रिएक्शंस बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करते हैं। कुछ होते हैं इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन, यानी एक सेल जब किसी दूसरे सेल से कम्युनिकेट करता है तो वो कैसे करता है, एक तो सरफेस टू सरफेस कॉन्टेक्ट है, यानी एक सेल डायरेक्टली दूसरे सेल से सरफेस टू सरफेस कम्युनिकेट करे, या गैप जंक्शन, जैसे हार्ट के अंदर आप देखें तो एक सेल होता है और इस तरह से गैप बना होता है और एक दूसरे सेल के साथ उसकी जंक्शन होती है, फिर इसकी आगे जंक्शन होती है तीसरे सेल के साथ। तो गैप जंक्शन के थ्रू सेल आपस में कम्युनिकेट करते हैं और केमिकल रिएक्शन चलते हैं, केमिकल सिग्नल्स आते हैं, हार्मोन्स, आपको पता है हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स के, आपके ब्लड में, फर्ज कीजिए कि आपका ब्लड है, इसमें बहुत सारे हार्मोन्स ट्रेवल करते हैं, जैसे कि पिचुट्री ग्लैंड है ब्रेन के पास होता है, वहां से कोई हार्मोन ट्रेवल करता है, पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है, और इस तरह एड्रिनल ग्लैंड पे आके वो अपना काम परफॉर्म करता है। तो इस तरह से हार्मोन्स हैं या न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये पूरी बॉडी में ट्रेवल कर रही है, तो ये केमिकल सिग्नल्स हैं, एक सेल को दूसरे सेल से कम्युनिकेट करवाते हैं। और फिर जैसे आपने कंसेप्ट है सेकंड मैसेंजर सिस्टम, ये बड़ा जरूरी कंसेप्ट है कि आपके सेल के अंदर सेकंड मैसेंजर सिस्टम होता है जो बहुत मेजर फंक्शंस परफॉर्म करवाता है, जैसे कैल्शियम फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल सिस्टम है, एडिनिलाइल साइक्लेज सिस्टम है,
ये इसको हम कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो ये बेसिकली कैसे होती है ये मैं आपको जरा समझाता हूं कि सेकंड मैसेंजर सिस्टम बेसिकली क्या होता है। फर्ज कीजिए कि आपके पास एक सेल है, ठीक है। अब ये एक सेल है और यहां से कोई हार्मोन आता है किसी दूसरे ऑर्गन से, ये हार्मोन आया इस सेल के ऊपर बाइंड करता है, ठीक है। तो ये एक लाइगेंड है और अपने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड कर रहा है, ये रिसेप्टर है। और ये इस सेल का बीच में न्यूक्लियस है जहां से कोई प्रोटीन बननी है। तो बेसिकली क्या होता है कि यहां से आपके पास ये हार्मोन बाइंड करता है सेल के सरफेस पे। तो इस लेवल से लेकर इस लेवल तक कम्युनिकेशन होती है बाय सम मॉलिक्यूल्स। और ये जो मॉलिक्यूल्स बीच में आते हैं ये मॉलिक्यूल बनाते हैं सेकेंड मैसेंजर सिस्टम। ये सेकेंड मैसेंजर्स हैं। फर्स्ट मैसेंजर ये है जो पहला बाहर से कोई लाइगेंड आया है। तो ये जो लाइगेंड है दिस इज द फर्स्ट मैसेंजर। ये कोई हार्मोन हो सकता है, ये कोई न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, दैट इज द फर्स्ट मैसेंजर। और सेकेंड मैसेंजर होता है सेल के अंदर जो न्यूक्लियस तक कोई मैसेज लेके जाता है। तो आपके पास एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है जैसे फॉस्फोडिडाइल आयनिसिटोल 3-फॉस्फेट। अब जैसे कि ये है, फर्ज कीजिए यहाँ पे आपके पास मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये कन्वर्ट होता है इस तरह से PIP3 में और डाईएसाइल ग्लाइसरोल में। तो इस तरह से PIP3 और डाईएसाइल ग्लाइसरोल बनते हैं आपके सेल के अंदर। ये फिर सेल के अंदर जो है फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, कैल्शियम के लेवल्स को इंक्रीज कर देते हैं। तो जब इस तरह से सेल के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ता है बिकॉज ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स, तो जब सेल के अंदर इस तरह से लेवल बढ़ता है कैल्शियम का, तो एक सेल कोई फंक्शन परफॉर्म करता है। तो बेसिकली सेल एक फंक्शन क्यों परफॉर्म करवा रहा है, बिकॉज ऑफ द सेकंड मैसेंजर, कि वहां पे सेकंड मैसेंजर आया और उसने कोई फंक्शन परफॉर्म करवाया है। इसी तरीके से एक दूसरी एग्जांपल ली थी एडिनिलाइल साइक्लेज की, कि फर्ज कीजिए यहाँ पे आपके पास एक सेल है और इसमें एक एंजाइम है एडिनिलाइल साइक्लेज। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आएगा लाइगेंड रिसेप्टर के ऊपर। तो यहाँ से रिसेप्टर से एक सब्सटेंस आता है एडिनिलाइल साइक्लेज के ऊपर, और फिर एडिनिलाइल साइक्लेज आगे जाके फॉस्फोराइलेशन करवाता है, और फॉस्फोराइलेशन करके यानी फॉस्फेट ग्रुप्स को अटैच करवाता है, और फिर इस तरह से सेल में कोई एक्टिविटी परफॉर्म होती है। तो इस तरह से मुख्तलिफ तरह के सेकेंड मैसेंजर्स होते हैं हमारी सेल्स के अंदर जो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म, के मेटाबॉलिज्म क्या होती है बेसिकली। जैसे हमने बात की कि आपके पूरे जिस्म में कुछ होते हैं केमिकल रिएक्शंस, तो वो जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो दो तरह के होते हैं। वो दरअसल एनाबॉलिज्म भी हो सकते हैं यानी एनाबॉलिक भी हो सकते हैं और कैटाबॉलिक भी हो सकते हैं। एनाबॉलिक का मतलब कि छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ी चीज बना दें। कैटाबॉलिज्म का मतलब है कि एक बड़ी चीज को छोटी छोटी चीजों में डिवाइड कर दे। तो कैटाबॉलिज्म में एटीपी बनती है यानी हम एटीपी स्टोर करते हैं, जबकि एनाबॉलिज्म में क्या होता है, एनाबॉलिज्म में एनर्जी खुद खर्च करनी पड़ती है। इस तरह के केमिकल रिएक्शन को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है कि बड़ी चीज बना सके। सो दैट इज द मेन टॉपिक कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। दैट्स ऑल।